जब सारा संसार अंधकार से भर गया, पूरा जीवन नष्ट हो गया, हर तरफ हाहाकार मच गया, तब जन्म लिया तीसरे नेत्र ने। माता पार्वती की एक ऐसी गलती जिस वजह से शिव जी को खोलना पड़ा अपना तीसरा नेत्र। आपका स्वागत है देवराज मिस्ट्री, यहाँ हम करेंगे हिंदू धर्म से जुड़ी कुछ रहस्य की बातें। अगर आप चाहते हो कि आपका समय सही जगह पर खर्च हो तो अभी आप सही रास्ते पर हो, इसीलिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खो जाइए इस वीडियो में। एक समय की बात है जब देवों के देव महादेव कैलाश पर्वत पर बैठकर ध्यान कर रहे थे। उस समय वहां पर माता पार्वती पहुंची। उस समय माता पार्वती महादेव की शक्तियों को उतना नहीं जानती थी जितना वे थे, इसीलिए माता पार्वती ने पीछे से जाकर महादेव की आंखों को अपने हाथ से बंद कर लिया। ये माता पार्वती की नादानी थी, इसीलिए वे महादेव को एक पति के रूप में देख रहे थे। इसीलिए वे भूल गयी कि महादेव कोई आम शक्ति नहीं बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड के सृजनकर्ता ब्रह्म और पालनहार हैं। इसीलिए माता पार्वती ने जब शंकर जी की दोनों आंखों को बंद किया तब पूरे संसार में अंधकार छा गया, तीनों लोक सूरजहीन हो गए। उस कुछ क्षण में ही मानव जाति का अंत होने लगा और चारों तरफ हाहाकार मच गया। जब महादेव को ये आभास हुआ कि उनके दोनों नेत्र बंद हो जाने की वजह से तीनों लोक में घोर अंधकार छा गया, उस समय महादेव की क्रोध अग्नि उनके मस्तिष्क से बाहर आने लगी। महादेव के मस्तिष्क से निकलने वाली अग्नि इतनी भयंकर थी कि उसके सामने हजारों सूरज भी नतमस्तक थे। इस दृश्य को जब माता पार्वती ने देखा तो वे अत्यधिक भयभीत हो गईं और वे सोचने लगीं कि आखिर उन्होंने ये क्या कर दिया। महादेव की प्रचंड अग्नि से संपूर्ण हिमालय पर्वत तक नष्ट हो गया और साथ ही पेड़ पौधे जीव जंतु आदि सभी मारे गए, और इसी अग्नि के भीतर से उत्पन्न हुआ महादेव का तीसरा नेत्र। जब महादेव का तीसरा नेत्र खुला तब महादेव अत्यधिक क्रोधित थे, लेकिन जब उन्होंने माता पार्वती को देखा तो उनका गुस्सा शांत हो गया। महादेव के तीसरे नेत्र को देखकर माता पार्वती जोर जोर से रोने लगी और उनसे क्षमा मांगने लगी, लेकिन इस बात का जवाब देते हुए महादेव ने माता पार्वती से कहा, देवी इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने अभी मुझे जाना ही कहाँ है, तुम केवल अभी मुझे एक पति के रूप में देखती हो, लेकिन मैं केवल यही नहीं, मैं ही सब हूँ, मैं ही सर्वव्यापी हूँ और मैं ही तीनों लोक हूँ। तब माता पार्वती पूछती हैं कि महादेव आपने ये तीसरा नेत्र प्रकट क्यों किया। ये बात सुनकर महादेव माता पार्वती से कहते हैं, पार्वती जो ये सवाल तुमने मुझसे पूछा है, ये सवाल इस संसार में मुझसे कोई नहीं पूछ सकता केवल तुम्हारे बिना, इसीलिए मैं इसका उत्तर तुम्हें जरूर दूंगा। महादेव कहते हैं, ये तीनों लोग मेरे ही अंदर समाये हुए हैं, ये तीनों लोग मुझसे ही चलते हैं। जिस तरह भगवान विष्णु सृष्टि का सृजन करते हैं उसी तरह मैं इस सृष्टि की रक्षा करता हूँ, ये पूरी सृष्टि मुझसे जुड़ी हुई है। अगर मेरे साथ कुछ बुरा होता है तो उसका भी प्रभाव इस सृष्टि पर होता है, और अगर मेरे साथ कुछ अच्छा होता है तो उसका प्रभाव भी इस सृष्टि में होता है। इसीलिए देवी जब आपने मेरे दोनों नेत्रों को बंद किया तो उसी समय इन तीनों लोकों में अंधकार छा गया, हर जगह हाहाकार मच गया, इसीलिए उस अंधकार को दूर करने के लिए मैंने इस तीसरे नेत्र को उत्पन्न किया। इस बात को सुनकर माता पार्वती अत्यधिक दुखी हुई। इसीलिए महादेव ने माता पार्वती से कहा, देवी ये आपकी नादानी थी, इसीलिए मैं आपसे बिल्कुल भी क्रोधित नहीं हूँ। महादेव ने माता पार्वती को खुश करने के लिए कैलाश पर्वत को द्वारा से पहले जैसा ही कर दिया। जो कैलाश पर्वत महादेव के क्रोध अग्नि से भस्म हो गया था वह द्वारा पहले जैसा हो गया, और इस तरह उत्पन्न हुआ था महादेव का तीसरा नेत्र। तो बताइए दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।